नमस्कार, ये जमुआ चौक है और मैं जमुआ चौक में खड़ा हूँ। आप देखें कि एक ट्रक खड़ी है, उसके शीशे चनके हुए हैं और महिलाओं का हुजूम सा है और जवानों का भी हुजूम सा है। एक तरफ प्रशासन के लोग खड़े हैं, कुछ वार्ता चल रही है और ये जमुआ चौक जाम है। आप पूछना चाहेंगे कि जाम क्यों है। जाम इसलिए है कि यहाँ पे एक महिला जो बेचारी सब्जी बेच करके अपने परिजनों का भर परवरिश कर रही थी, वो एक ट्रक के चपेट में आ गई है और उस ट्रक के चपेट में आने से उसकी लीला मौके पे ही समाप्त हो गई है। कोई इलाज का मौका नहीं मिला है और इसी से आक्रोशित होकर के लोगों ने यहाँ पे सड़क जाम कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि अगल बगल की दुकानें भी बंद है। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ कि ये जमुआ चौक चौक नहीं लगता है, एक बाज़ार सा लगता है। यूँ लगता है जैसे मीना बाज़ार हो। गाड़ियाँ बेतरबीत खड़ी रहती है, ऑटो वाले खड़े रहते हैं, ठेले वाले खड़े रहते हैं, सड़क पे सब्जियां बिकती हैं। पूरा जमुआ चौक आपको तितर बितर लगेगा और कई हादसे होते हैं। इससे पहले भी यहाँ पे हाईवा के चपेट में महिला की मौत हो गई थी और बड़ा बवंडर हुआ था। प्रशासन कुछ देर के लिए जगती जरूर है, जनप्रतिनिधि कुछ देर के लिए जगते जरूर हैं, चीज़ें साफ रखी जाती है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है फिर वही स्थिति में जमुआ खड़ा हो जाता है और फिर किसी न किसी हादसे का इंतज़ार मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को रहता है। ना सिविक सेंस है हमारी, हम कहाँ बाइक खड़ा करेंगे, हम कहाँ ऑटो खड़ा करेंगे, ये सिविक सेंस हमारी भी नहीं है और प्रशासन की भी संवेदना ऐसे स्थान पर नहीं जगती है। तब जब प्रशासन के लोग, जनप्रतिनिधि के लोग इस पथ से दिन में 10 बार गुजरते होंगे तो पता नहीं किस बात का इंतज़ार रहता है। अभी जो जाम लगा है, परिजनों की जो मांग होगी मैं इससे नहीं कह सकता, लेकिन मैं जमुआ के लोगों के लिए और खुद अपने लिए प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कम से कम यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था हो। अगर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था ना हो तो स्थानीय यहाँ पे 2 पुलिसकर्मी हमेशा 24 घंटा रहे, चूँकि हादसे किसी का इंतज़ार नहीं करते। और जो हाईवा का चलन है यहाँ पर, ओवरलोड पत्थरों को लाद करके जो हाईवा यहाँ से गुजरता है तो दिल ढालता सा है। पता नहीं कब कौन और बड़ा हादसा हो जाए, लेकिन पता नहीं इन हाईवों को कोई बंदिश प्रशासन के लोग क्यों नहीं लगाते हैं। वो पत्थर अवैध हो या वैध हो मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन जिस तरह की ओवरलोडिंग होती है और जिस तरह से इस सरेआम यहाँ से, इस भरे बाजार से हाईवा गुजरता है, पता नहीं कब और कोई बड़ा सा हादसा हो जाए। तो हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि अगर संवेदना बची है, अगर आपको लगता है कि मानवता के नाते ही सही, और वैसे तो आपकी ये ड्यूटी है, आप यहाँ पे पुलिसकर्मियों की व्यवस्था करें और पुलिसकर्मियों को ये हिदायत दे करके व्यवस्था करें कि यहाँ से अवैध गाड़ियों का आवागमन भी नहीं हो और बेतरबीत जो बाइक खड़े रहते हैं, ऑटो खड़े रहते हैं, ठेले लगे रहते हैं, उस पर भी संज्ञान लिया जाए। यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता किसान मोर्चा के परमेश्वर यादव जी हैं यहाँ पे मौके पर, क्या कहेंगे परमेश्वर जी इस हादसे पर? देखिए, हादसे पर आपने विस्तार से कह ही दिया है जी, और वही मैं फिर से पुनः दोहराना चाहूँगा कि इस मोड़ चौराहे पर जमुआ चौक में ट्रैफिक के रूप में कम से कम 2, चाहे थाना का हो चाहे बाहर का हो, किसी तरह एनी टाइम कम से कम सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10 से 11 बजे तक रहना अनिवार्य है जी। दूसरी बात, जो ओवरलोड की बात की है, उससे कई तरह की ये घटना सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं, ये रोड बनाते हैं और ख़त्म हो जाता है जी। रोड बनाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ओवरलोड पर क्यों नहीं बंद करता है? ये प्रशासन से मैं मांग चाहूँगा कि इसका जवाब दें, क्यों बंद करने में क्या दिक्कत है? या आपकी कमाई के लिए नहीं बंद कर रहे हैं या अगले के कमाई के लिए नहीं बंद कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। और जो मृतका है, मैं उसके बारे में बता दूं कि पता नहीं क्या किस्मत लेकर के वो आई और अंततः ट्रक के चपेट में आकर के उसकी जान चली गई। मैं आपको बता दूँ कि 4 पुत्र है, जो मुझे जानकारी मिली है, हरला निवासी है और सब्जी बेच करके गुजारा करती थी। उसमें से एक पुत्र पहले से हादसे का शिकार हो चुका है, अब नहीं है, और दूसरा पुत्र भी हादसे का शिकार हुआ है, खाट पर रहता है, बीमार रहता है। तीसरा पुत्र, मानसिक अवस्था उसकी अच्छी नहीं है। एक और पुत्र है जानकी, जो थोड़ा सा ले करके चलता है। और आप ये समझिए कि ये जो माँ थी जो सब्जी बेच करके अपने पुत्रों की परवरिश करती थी, वो आज इस दुनिया को छोड़ करके एक दुखद अंत इस महिला का हो गया है। हम पूरी श्रद्धा से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, हम उनकी आत्मा को शांति की कामना करते हैं, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन हम साथ ही साथ कहते हैं कि यदि यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि में थोड़ी भी संवेदना है तो इस घटना से सबक ले
घटना किसी के भी साथ हो सकती है, हमारे और आपके साथ भी हो सकती है। तो इस घटना से सबक ले, इस चौक को साफ रखा जाए, और हम तो कहते हैं कि गाड़ियों और बसों का जो पड़ाव यहाँ है उसको भी थोड़ा सा किनारे करने की व्यवस्था प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि स्तर पे हो, ताकि बार बार यहाँ पे जो घटना दोहराती रहती है अपने आप को, किसी न किसी का परिवार उजड़ता है, किसी न किसी की जान चली जाती है, ऐसी दुखद अवस्था से जमुआ फिर दो चार ना हो। मैं जन की बात के साथ विजय कुमार चौरसिया, आप बने रहें, थैंक यू।